सो हम लोग फिर से कार में आएंगे। जाम ऑल ओवर जाम। 704 नंबर है ना। फ्रूट जाम नहीं पता, हमको ब्लूबेरी पसंद है। तो चलिए अब हम लोग समोसा खाते हैं। मैं समोसा खाने में इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि ईशा मुझसे क्या बोल रही थी मुझको समझ ही नहीं आ रहा था। मुझको पता ही नहीं था कि वो शूट कर रही है। एंड जब मैंने उसका कैमरा दिखाया ना, आई वाज लाइक थोड़ा ढंग से खाते हैं, थोड़ा ढंग से खाते हैं। अब देख ही सकते हैं हम लोग थोड़ा सा ढाबे टाइप की जगह पर रुके थे। खाना जहाँ मिल रहा है वहीं पर रुक जाओ। वो बार बार मुझसे कह रही है थोड़ा ढंग से खाओ, ढंग से खाना। आई वाज लाइक खाने दो यार, किसी तरह बस खाने दो। भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी मुझको। अब थोड़ा सा स्टाइल मार लेते हैं। मैंने उसको लड़कों फेंक दिया। आलू मुझसे खाया नहीं जा रहा था। मैं उससे कह रही हूँ बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेकिन ये लड़की बंद ही नहीं कर रही है कैमरा। हंसी ही नहीं कंट्रोल हो रही है मुझसे बिल्कुल। आलू बहुत ज़्यादा बताई थी, वो बार बार कह रही है। पर चंगी तरी याद नहीं आवे। इस कार के अपने अलग ही नशे चल रहे थे। आगे जो ट्रक बोरी भर के जा रही है वो इतना लहरा लहरा के चल रही थी, इतना लहरा लहरा के चल रही थी कि मतलब अगर हम लोग इसके बगल से निकलते तो ये डायरेक्ट हम लोग को ठोकर मार देती। इसका ड्राइवर पता नहीं क्या करके गाड़ी चला रहा था और हम लोग इसके पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये मैं शॉर्ट्स पर भी ज़रूर अपलोड करूँगी, तो वो भी देखिएगा। अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, या फिर इससे पहले वही वीडियो पढ़िए, आप जाके देख सकते हैं। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलोगे तुम? बैट आएगा तुम्हारे हाथ में, तुमको एक बॉल बना दिया जाएगा। ओए ओ, ये है जिसने मेरी सारी चिप्स खा ली। बाल आ गया मुंह में। हम दोनों भुक्कड़ हैं। हम दोनों नहीं है, अब दूसरी है। मतलब मुंह ही पे बाल आ रहा है, आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। सो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। एंड मैं ईशा से कह रही थी ऐसे शूट करो, वैसे शूट करो, जूम मत करना क्योंकि वीडियो क्रैक हो जाती है। एंड फाइनली हम लोग किसी तरह पहुंच चुके। इतनी देर के सफ़र में मैं इतना ज़्यादा थक गई बैठे बैठे मेरी पीठ दर्द करने लगी। आई नो ये बहुत बूढ़ों वाला एक्सक्यूज़ है, बट यस मेरी पीठ दर्द कर रही थी। एंड फिर यहाँ पर मुझको ढेर सारी बालू मिल गई तो मैं बालू में खेलने लगी थी। मेरा कॉमन सेंस देखो, मैं अपने बूट में पूरा बालू घुसेड़ लिया बस इसलिए क्योंकि मुझको बालू अच्छी लग रही थी। बहुत ही एडवेंचरस रहा है। आई मीन गाड़ी खराब हो गई, खाने के लिए हम लोग रुके। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी मजाक मस्ती हम लोग देखी कार में। सब थोड़ा सा सीरियस होके हम लोग दर्शन कर लेते हैं। गर्मी बहुत है गाइस, वहाँ बुलाया जा रहा है हम लोग को। उधर बुला रहा है, आ जाओ दादी। तो मतलब जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं ना अच्छे से शूट करो ताकि हम आए। जूम मत करना क्योंकि क्रैक आ जाता है। बेटा पहले रास्ता शूट करने दो। मैं अपने आप को लेकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं पूरे टाइम कैमरा अपने मुंह पे रखना चाहती हूँ। एंड वो लड़की मुझे कह रही थी कि अपने मुंह से कैमरा थोड़ा हटा भी लिया करो कभी कदार। ये लिप बाम आपको मिलेगा 350 रुपए का। पैसे ही लगा लो यार, क्या चली क्यों लेना है इतना। मैदान नहीं, खूब बड़ा सा जो है कार खड़ी हो रही है सब पर। पैदल चलना गाड़ी। सब हम लोग फिर से कार में आएंगे। सो फाइनली अब हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन शीतला माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। यहां से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा कार खड़ी करके, बिकॉज़ आगे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अब मैं आप लोग को पैदल चल के दिखाऊंगी कि वहां पे कैसी कैसी शॉप्स हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं, दर्शन कैसे होता है, पूजा कैसे होती है। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग 10 मिनट्स या 11 मिनट का ही हो, बिकॉज़ बहुत लंबे व्लॉग आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। पहले हम लोग ने एक अंकल से पूछा तो उनको कन्फर्म नहीं था रास्ता। फिर हम लोग ने एक आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग को कार खड़ी करनी है। आओ आओ, अरे हमको कैसे सीट रही हो, निकल गई। हम लोग अपना कोट यहीं छोड़ देंगे, ले रास्ते को ले लें। हाँ हाँ। पकड़ो हमको, रिकॉर्ड करो। लेट्स टेक आवर कोट एंड लेट्स टेक आवर लीव। ऑफ कोर्स
सो फाइनली अब हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं। कौन कौन सी शॉप्स हैं, हम लोग क्या क्या है। वैसे हम लोग ने ज़्यादा कुछ यहाँ से परचेज़ नहीं किया बिकॉज पूजा करने में ही बहुत टाइम लग गया था क्योंकि बहुत भीड़ थी। मंडे और फ्राइडे को अगर आपको नहीं पता हो तो शीतला माता के मंदिर में न्यूली वेड्स कपल्स आते हैं एकदम तैयार होकर अपने शादी के जोड़े में, ताकि वो लोग यहाँ पर पूजा करके उन माता का आशीर्वाद ले सकें, ऐसा मेरी दादी ने मुझको बताया। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अब आगे देखते हैं कि कैसी शॉप्स हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या नहीं। वैसे मैं ये चीज़ कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, ओ गॉड, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो चारों तरफ मंदिर के बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा मंदिर जूम करके आपको दिखाऊंगी। एंड एक भैया और आ गए थे, उनकी शक्ल आ गई थी अभी, आप लोग देखिएगा इतना फनी लग रहा था ये। एंड उनको जैसे ही पता चला कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपनी शक्ल पलट ली थी। हम लोग यहाँ पे एक पंडित जी थे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे उनकी जगह पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग यहीं पे बैठते हैं हमेशा जब भी खड़े आते हैं। तो यहीं से वो हम लोग की पूजा कराएंगे, मीन्स हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे बट भीड़ होने की वजह से हम लोग बरामदे में ही पूजा करेंगे। तो ये थोड़ा अभी तक सस्पेंस में था कि फैमिली में कौन कौन आया हमारे। तो ईशा आई है, मेरी बुआ की बेटी, बड़ी बुआ, दादी, बाबा जी, बड़े चाचू, बड़ी चाची एंड मेरी दादी की जो सिस्टर हैं, यानी कि हम लोग की जो मौसी दादी हैं, वो भी हम लोग के साथ थी। एंड मैं थी जो रिकॉर्ड कर रहा था सारी चीज़ें, मैं कैमरा मैन बन गया था लिटरली उस दिन। सब लोग को लग रहा था मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ बट मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। एंड अभी आप देखोगे कि रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग बनने लगे हुए थे घर पर रहते हैं किसी में, क्या ही करी थी मंदिर में खड़े होकर। एंड अब पूजा स्टार्ट होती है, मैंने पूजा का थोड़ा सा पोर्शन लिया बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी होती है, बट यस पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अंदर हम लोग नहीं जा पाए थे, रामदेव में ही बैठ के पूजा करनी पड़ी थी बिकॉज जगह बिल्कुल नहीं थी। बट बाहर भी पूजा अच्छे से हो गई थी, सारी चीज़ें जो भी चाहिए थी वो हम लोग घर से ही बना के ले गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हम लोग जब कुछ कर रहे थे तो बाबा जी ने बोला मुझको मत लेना तुम लोग वीडियो में, बिकॉज उनको लग रहा था कि हम लोग उनकी फ़ोटो ही नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सरकास्टिक वे में उन्होंने बोला था बट यस सही लगता है। तो उसके बाद मैंने उनकी फ़ोटो भर भर के खींची थी एंड उनको फिर दिखाया भी था, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग ने फ़ोटो लिया है। वो गॉड, मैंने इतनी मेहनत की इस वीडियो को क्रॉप कर करके छोटा करने में ताकि वो 10 मिनट्स के अंदर आ जाए, बट हो ही नहीं पा रही। हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे, मेरी और ईशा की पूजा हो गई थी, मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज पूजा करते वक्त भी रिकॉर्ड करूँ तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं रक्षा बंधवा रही हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारा कड़ी का व्लॉग यहीं पर एंड होना चाहिए बिकॉज मंदिर तो हम लोग ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है, बट हम लोग यहाँ से आगे खाना खाने जाएंगे जहाँ पर हम लोग को बुलाया गया है रिक्वेस्ट करके। तो रास्ते में थोड़ा सा लेज़ी नूडल्स खा लेते हैं जो कि मुझको बहुत पसंद है, 5th या 6th क्लास में हमारे स्कूल के सामने मिलता था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, हम लोग को फिर से मिला। सो ये जो जगह है वहाँ पे हमारे बाबा जी ने 60 ईयर्स जॉब किया है, यहाँ के लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करके बहुत ही रिस्पेक्ट से बुलाया था कि आप यहीं पर खाना खाएँगे, कहीं और नहीं जाएँगे। एंड बिलीव मी, कहीं होटल्स में भी खाते तो इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा हम लोग को यहाँ पर खा के आया था। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। अभी बाटी आएगी तब दिखाना। तो कड़ी में यहाँ पे उनका जो ऑफिस है वो ज़्यादा दूर नहीं था मंदिर से वो पहले ही था, बट वहाँ पे हम लोग जाके खाए थे। उसके बाद हम लोग के लिए चाय आई थी, नमकीन बिस्किट्स वगैरह आए थे एंड उसमें इतनी मिर्ची थी, मीन्स मैं उसकी बात कर रही हूँ बाटी चोखा वाले में, जो मेरे एकदम कान से धुआं निकलने लगा एंड आई वाज लाइक मुझको चीनी खानी है। वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बिल्कुल। अकेले क्या कर रही हो? चाय, जहाँ मैं पता नहीं क्यों अच्छी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। अपने घर की ओर जहाँ हम लोग की फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है, तो हम लोग घर जाके आपको दिखाएंगे कि हम लोग घर क्या करते हैं। वैसे मैं कार में भी बहुत कुछ अभी बाकी है करने को, तो व्लॉग को अधूरा छोड़कर मत देखिएगा। वैसे हम लोग खा पी के निकल आ चुके हैं बट हम लोग गांव के घर में जा रहे हैं। लेट्स गो, आ जाओ। व्हाट अ व्यू। हम तुमको हाथ देंगे ना, ऐसे करके आना। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। अभी होगा ना फोटो सेशन, होगा वहां पे होगा ना। अरे आराम से, अरे तुम वापस जाओ। Thank you.
चूर है मेरी की भाई, हमको रिकॉर्ड मतलब वीडियो बनाती थी। अच्छी अच्छी कांची खींचो। आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं खाने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि हम लोग सैनी की चाट खाए थे, हरी मटर की चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस थी, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट अगर आप कभी भी जाते हो सैनी में तो आप वो चाट ज़रूर ट्राई करना, मेरी तरफ से तो अब बिग थम्स अप फॉर इट। एंड अगर आप खा भी चुके हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है, एकदम माउथ में पूरे ना उसके फ्लेवर्स दम आ जाते हैं। सो दिस इज़ द एंड गाइज, 8 या 9 बज रहे थे इस वक्त, काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग हाईवे से वापस जा रहे थे। वी रियली इन्जॉयड एंड कार में ही मुझको नींद आने लगी थी, मैं तो सोने भी लगी थी। बट थैंक यू सो मच, बहुत ही मुझको मज़ा आई ये व्लॉग बनाने में एंड आप लोग को दिखाने में। तो अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं, घर जाके तो मैं बिल्कुल ही पढ़ के सो जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, विल डेफिनेटली मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो। टाटा।